तो भाई हम एक्चुअली थोड़ा एक कट बीच में गलत मुड़ गए। ये देखो भाई गाड़ियाँ देख रहे हो, शाबाश सीधी चढ़ाई खड़ी चढ़ाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको पता हम चढ़ा लेंगे। ये था बरसाना का राधा रानी का मंदिर, ये देखो। तो भाई देखो अब यहाँ टोल से जो रह गया हमारा बरसाना, कितना रह गया भाई टोल, कौन सा ये टोल? करमान फी प्लाजा करके नाम है इसका। भाई ये बताओ यहाँ से कितना रह गया बरसाना? यहाँ से दिखा रहा है 28 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने डिसाइड करा है कि पहले बरसाना घूमेंगे, उसके बाद कुछ खाने पीने का देखेंगे, है ना भाई? तो यहाँ से निकल रहे हो ये चौको, हाँ ये देखो 28 किलोमीटर बचा है। ठीक है, बरसाना से घूमेंगे, फिर हम देखेंगे खाने पीने का, फिर चलेंगे वृंदावन। ठीक है ना सारे भाइयों को? ठीक है भाई, तुम पहले राइड पर आए इतने चुप चुप क्यों हो भाई? पहली राइड है ना इसलिए। ठीक है, बाइक भी दिखानी है। बाइक दिखानी है, आओ बाइक दिखाओ अपनी। अभी नहीं, मेरे को नहीं, उसको मैकेनिक को। अच्छा मैकेनिक को, बाइक के देखने वाले कौन है? थोड़ी भाई ऊपर के बादल कितने मस्त आ रहे हैं इस वक्त। भाई देखो साइड में देखो ट्रेन चल रही है, और टोल से हम निकल चुके थे। अब यहाँ से हमारा जो बरसाना है वो रह चुका है 25-26 किलोमीटर रह चुका है, मतलब टोल से 28 किलोमीटर था, अभी हम 2-3 किलोमीटर और चल चुके हैं। और थोड़ा खैच है भाई, बस अभिषेक भाई से आगे नहीं जाऊँगा मैं, नहीं तो मेरे को डांट पड़ जाएगी। देखो ग्रुप में चलते हो ना तो सबकी मान के चला करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? बाकी भाई अभी हमारा हो चुका है फाइनल कि हम जाएंगे बरसाना में, जो राधा रानी जी का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। देखना भाई कैसे चला रहे बेफालतू में। हाँ तो अभी हमारा फाइनल है कि हम राधा रानी जी के मंदिर जाएंगे पहले, उसके बाद ही कुछ खाएंगे, क्योंकि देखो भाई घर से खाली पेट आए हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो हमने डिसाइड करा है कि एक मंदिर में दर्शन कर लेते हैं खाली पेट, ताकि थोड़ा हमको भी लगे कि हाँ भाई, एक होता है ना भाई कि बिना कुछ खाए पिए मंदिर जाओ तो अच्छा रहता है। बाकी फिर बरसाना में जो राधा रानी जी का मंदिर है वो देखने के बाद फिर हम देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे वृंदावन। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो भाई हम काफ़ी जल्दी पहुँच चुके हैं यहाँ तक, तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास, ठीक है ना? काफ़ी जल्दी आ चुके हैं हम, तो ये चीज़ भी अच्छी है कि टाइम काफ़ी रहेगा हमारे पास, तो बेटर है हम घूम सकते हैं और ज़्यादा। बाकी चलो अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा बरसाना में अंदर जाके, क्योंकि ये रोड ही अभी आगे तक चल रही है। और देखो भाई वैसे ऑटो में से कैसे मतलब हाईवे पे रिएक्शन बहुत तगड़े मिलते हैं भाई, हमारा एक्चुअली पूरा ग्रुप इकट्ठा चल रहा है ना, तो और बढ़िया रिएक्शन मिल जाते हैं। तो भाई एग्जैक्ट 103 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं बरसाना। देखो यहाँ पे लिखा है महारी प्यारो बरसाना करके, ठीक है ना? और हमको लेके जानी है बाइक अंदर। तो हमको यहाँ से रास्ता बताया गया था कि यहाँ से आप बाइक ऊपर तक ले जा सकते हो, तो एक बार सबका वेट कर लेते हैं आने का। एक बार सबको आने दो फिर चलेंगे ऊपर, ठीक है? तो भाई अभी हमने पूछा था तो कह रहे आपकी बाइक ऊपर तक चली जाएगी, बाकी देखते हैं भाई कहाँ तक बाइक जा पाती है कहाँ। हाँ तो देखते हैं हमारी बाइक कहाँ तक जा पाएंगी। वैसे तो मैंने सुना है कि बिल्कुल ऊपर तक चली जाती है बाइक है, अभी यहाँ पे पूछना पड़ेगा। कहाँ तक जाओगे अंदर? ऊपर तक जाना है, इनसे पूछो राधा रानी जी के मंदिर के लिए कहाँ से जाएं, पूछो ना किसी से। अरे बुला के पूछो ना, राधा रानी मंदिर के पास कहाँ जाना है? अरे इस पे तो हमको बोला कि इधर से जाना है, बाकी देखते हैं। सबसे आगे इस वक्त मैं ही चल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से रास्ता जाए कहाँ से ना जाए, एक बार ना दोबारा किसी से पूछ लूँगा मैं, ताकि गलत रास्ता हुआ तो गलत रास्ते पे ना चले जाएं बस। रास्ता तो वैसे ही लग रहा है भैया, मंदिर के लिए इधर से ही जाना है आगे से लेफ्ट। तो
आगे से लेफ्ट लेने को बोला है, अब लेफ्ट कहाँ से लेने को बोला है वो देखना पड़ेगा मुझे। लेफ्ट तो भाई वैसे ये है परिक्रमा मार्ग, आंटी मंदिर इधर से जाता है, बाइक चली जाएंगी ना। तो भाई देखो पूछ पाछ के जा तो रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे अब हम। ये बरसाना की गलियां हैं और बाइक अभी एग्जैक्ट 103 किलोमीटर ही चली हुई है, देखते हैं कितना और ऊपर जाना पड़ेगा हमको कितना नहीं। मैं वाइज़र खोल के इसलिए नहीं चला रहा हूँ भाई कि आपको दिक्कत होगी फिर, मतलब विंड नॉइज़ आएगी ना इसलिए। फिर भी एक बार के लिए दोबारा वाइज़र खोला है मैंने किसी से मंदिर पूछने के लिए। भैया मंदिर कितना आ गया? अच्छा अब यहाँ से राइट जाना सीधा जाना है वो नहीं पता भाई। इनसे पूछते हैं एक बार, मंदिर का रास्ता यही है ना? तो भाई बोल तो यही रहे हैं कि यही रास्ता है, बाकी हम चलते जा रहे हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। देखो यहाँ पे गाय हैं और जो रास्ता निकल रहा है भाई उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं हम। ये देखो गाय की फाइट हो रही है, भाई ये वाला रास्ता मैंने देखा नहीं, मैं वृंदावन एक ही बार आया हूँ पहले एक बार, लेकिन आया ज़रूर हूँ एक बार, लेकिन उस वक्त में मैं इस रास्ते से नहीं आया था, मैं दूसरे वाले आगे वाले रास्ते से आया था। मंदिर कितना आ गया? मंदिर जाओगे? हाँ जी मंदिर जाओगे श्री जी। हाँ राधा रानी? राधा रानी तो पीछे छोड़े आएगा। पीछे? हाँ ये थाने के सामने से रास्ता बाइक ले जाओगे? हाँ श्री जी बाइक वहीं जाएंगे, ये साकरी को रास्ता। अच्छा पता नहीं था, ठीक है ये साकरी को रहा भगवान मट्टी को, ठीक है ठीक है। तो भाई हम एक्चुअली थोड़ा एक कट बीच में गलत मुड़ गए, लेकिन कोई नहीं वापसी चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और देखो भाई गाय को देख के ना कभी भी हॉर्न मत मारा करो, मेरे को ये मेरे एक दोस्त ने बताया था, क्योंकि फिर कहते हैं कि ऐसे में ना गाय भड़क जाती हैं। बाकी अब पूछना पड़ेगा भाई किसी से कि कहाँ से कहाँ मुड़ना था, क्योंकि रास्ता तो पता लगा नहीं भाई, पूछ लेते हैं दोबारा से एक बार इन बच्चों से। भाई राधा रानी के मंदिर के लिए कहाँ से जाना है? बाइक चली जाएंगी ना? बाइक तो आगे से कहाँ से लेफ्ट? हाँ हैं हाँ भाई। तो हमने यहाँ के बच्चों से ये रास्ता पूछ लिया, वो कह रहे थे चौराहे से लेफ्ट, इसका मतलब हम यहाँ अंदर गलत घुस गए मेरे हिसाब से ना, हमको राइट जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं चलो आगे वापसी बाहर आ गए हम, यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं अब। ये रास्ता होगा फिर, ये देखो भाई गाड़ियाँ देख रहे हो? हाँ यही रास्ता शायद, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ना, तो मैं जब आया था तो शायद इसी रास्ते से गया था मैं लास्ट टाइम, मैं तब आया था गाड़ी में अपने घर वालों के साथ, लेकिन रास्ता मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है। भैया कितना आगे? कितना आगे? अरे ये गाड़ी जाता है ये सब पीछे। चलो भाई कम से कम रास्ता तो पता लगा। अब देखो भाई
यहाँ पे मैंने सुना है कि थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता भी है। चलो कोई नहीं, अपने को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमारी तो बजकर आराम से चढ़ी जाती हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचने में अभी इन टोटल। ये देखो भाई यहाँ ये ना चढ़ाई एकदम बढ़िया वाली, मतलब ऐसी चढ़ाई है ना भाई मेरे को एक नंबर लगती है, बहुत बढ़िया खड़ी चढ़ाई है लेकिन मज़ेदार है। शाबाश। और ये देखो भाई अब ये पूरा रास्ता घूम रहा है, ये देख रहे हो सीधी चढ़ाई खड़ी चढ़ाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको पता हम चढ़ा लेंगे। ये लो भाई ऊपर तक तो बिल्कुल आ गया, अंदर पार्किंग में लगाने को बोल रहे हैं भाई, देखते हैं और कितना पैदल चलना पड़ता है अभी उसके लिए। फिर चलो चलो भाई पार्किंग लगाते हैं। कितने की है? 30 रुपए की, ज़्यादा थोड़ी नहीं है। 1 30 रुपए की बताओ भाई, मंदिर आ रहे हैं लेकिन 30 रुपए की पार्किंग। चलो जी पार्किंग एटलीस्ट मिली तो सही, मेरे को तो ये डाउट था पार्किंग मिलेगी भी या नहीं। देखो भाई ये अभी जो आपको मैंने अंदर की फुटेज दिखाई ये था बरसाना का राधा रानी का मंदिर, ये देखो ठीक है। और अभी हम इसके बाहर की साइड आए हैं, आपको एक बार इसका यहाँ का ना एक बार व्यू चेक कराता हूँ। देखो एक बार व्यू देखना, जरूर राधे राधे भैया, राधे राधे भाई। दर्शन वगैरह तो हो गए, आपने आपने व्यू देखो उधर से पीछे से, पीछे से व्यू देखो। हाँ शक्तिमान, शक्तिमान हमको व्लॉग में लो, दीपक भाई व्लॉग बना रहे हैं। तो भाई अब राधा रानी जी के मंदिर से जा रहे हैं नीचे, दर्शन वगैरह हमने कर लिए। मंदिर के मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया भाई उसके लिए सॉरी, पर जितना बना पाया उतनी बनाई मैंने। भैया लोकेशन आप लगा रहे हो ना वृंदावन की ना, बता बता कहाँ जाना है। तो भाई अब हम निकलने लग रहे हैं बाहर मेन रोड की तरफ, जो कि हमारा रास्ता वृंदावन के लिए निकलेगा। तो हमने अब सोचा है कि बाहर मेन रोड पे जब जाएंगे तो वृंदावन वाला जो रास्ता है उसी रास्ते पे चलते जाए, कहीं पे लगेगा कि यहाँ पे खा पी सकते हैं तो वहाँ पे कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि अब सब बंदों को ना भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे को भी लग रही है सुबह से भाई भूख है। सुबह क्या रात से मान लो रात को लास्ट खाना खाया तो उसके बाद से कुछ नहीं खाया, उसके बाद से कुछ नहीं खा रहा भाई फ़िलहाल तक। तो चलो ये रोड तो अभी थोड़ी गाँव वाली रोड है, ऊपर नीचे, पर भाई राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करके बहुत बढ़िया लगा और हमने खाली पेट करा तो एक वो भी होगा कि चलो बढ़िया है।
और अपने आगे सबसे आगे जो चल रहे हो चल रहे अभिषेक भाई, उसके पीछे अपने विनय भाई, उसके पीछे अपने दिवेश भाई R15M पे, उनके पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे और भी आ रहे हैं लेकिन मेरे पीछे, हाँ मेरे पीछे शक्तिमान वगैरह, मतलब सारा ग्रुप चल ही रहा है अपना। तो बढ़िया भाई, अभी तक की तो राइड सबसे बढ़िया निकली है। सुबह जब बारिश आई तब थोड़ा लगा था कि भाई राइड ख़राब ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी, तो चलो बढ़िया है। अब वृंदावन में कोशिश करूँगा मंदिर वगैरह में आपको अगर हो सका तो जितना ज़्यादा दिखा सको उतना ज़्यादा दिखाऊँ मंदिर, ठीक है ना भाई। बाकी भाई गलियां देखो भाई कैसी सी बंद रखी है बरसाना की, छोटी 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 छोटी। वृंदावन के भी ऐसी, मैं वृंदावन गया हूँ बरसाना की गलियों में इतना नहीं आया मैं, अब बाइक से आना पड़ रहा है। लास्ट टाइम तो गाड़ी थी, गाड़ी ऐसी गलियों में घुसती नहीं आपको का तो सबको पता ही है। चलो मेन रोड पे निकलते फिर आपसे वापसी बात करता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितनी गलियों में से निकलना पड़ेगा हमको।